हाय गाइस, आज हम बनाएंगे मेथी और मूली के बहुत ही ज़बरदस्त परांठे। ये कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त है। अक्सर हमारे मूली के परांठे फट जाते हैं। आज मैं आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिन्हें करने के बाद आपके मूली के परांठे परफेक्टली कुक होंगे और बिल्कुल भी मसाला बाहर नहीं आएगा। इसके लिए दो मूलियों को कद्दूकस करके थोड़ा सा नमक डाल के मैंने रख दिया था। ये अपने आप पानी छोड़ने लग जाती है, तो एक्सेस वाटर है जो निकल जाता है। इस स्टेप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा गाइस। ये एक बार हमने निचोड़ लिया है पानी, दूसरी बार इसे हम ऐसे निकाल लेंगे। इसी पानी से जो हमने आटा बनाना है ना परांठों के लिए, उसको तैयार करेंगे इस पानी से। तो ऐसे आटे में भी मूली का फ्लेवर आ जाएगा। और यहाँ पे हरा लहसुन, हरा प्याज, अदरक, थोड़ा सा लहसुन, हरी मिर्चें और धनिया रख लिया है रफली कट करके। इन सभी चीज़ों से ना परांठों में टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है। और साथ में एक प्याज भी कट कर लेंगे। लहसुन है जो 5-6 कलियाँ हैं, 2-3 हरी मिर्ची हैं, 1 टुकड़ा अदरक का है और थोड़ा सा धनिया है, स्प्रिंग अनियन है और ग्रीन गार्लिक है। गाइस, ये बहुत ही ज़बरदस्त परांठा बनता है। अगर इन चीज़ों को आप डाल लोगे ना परांठों में तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तो रफली चॉप कर लिया है, अब हम इनको कूटेंगे कुंडी में। सभी मसाले डाल देंगे इसमें। मैंने यहाँ पे डाला है साबुत धनिया, जीरा और साथ में ये सारे जो मसाले हैं ना ये डाल देंगे। थोड़ी सी काली मिर्ची भी थी गाइस। और इन सभी को हम कूटेंगे। थोड़ी सी रेड चिली पाउडर और नमक डालेंगे। नमक थोड़ा ध्यान से डालेगा क्योंकि हमने मूली में भी थोड़ा डाला था। तो हल्दी, बस अब हम इनकी कुटाई कर लेंगे, अच्छे से कूट लेंगे इन्हें। मसाला हमारा तैयार है, मिक्स कर देंगे मूलियों के साथ और आटा तैयार करेंगे। ये अराउंड 1.5 कप मैंने आटा लिया है और 1 गुच्छी मेथी की बारीक चॉप कर ली थी ये डाल देंगे। और साथ में रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, स्वाद अनुसार नमक और मिक्स कर देंगे। और मूलियों का जो पानी था ना वो हमने निकाल लिया था, वो भी डाला है। और मसाले में से भी काफ़ी पानी निकला था, वो डाल के आटा तैयार कर लिया है। अब हम परांठे बनाएंगे। तो दो तरीके से मैं आपको मूली के परांठे बनाने सिखाऊंगी। सबसे पहले जैसे वीडियो में शो हो रहा है वैसे हम ऐसे चपाती फॉर्म में इसे बना लेंगे और सारे मसाले को ऐसे इवनली स्प्रेड कर देंगे और ऊपर से दबा दबा के ऐसे फोल्ड कर देंगे। बस इसे थोड़ा सा सूखा आटा लगा के बेल लेंगे, बहुत ही ईजी है। अब हम इसे तवे पे डाल देंगे। तवा मेरा मिट्टी का है, इस पे परांठे बड़े ज़बरदस्त बनते हैं गाइस। और प्योर घी में हम इन परांठों को बना रहे हैं, तो लगा के इन्हें अच्छे से सेक लेंगे क्रिस्पी करारे होने तक। हमारा परांठा बिल्कुल रेडी है। दूसरी तरह का परांठा बनाने के लिए 2 रोटियां बेल ली हैं। इनके ऊपर जो हमने मूली का मसाला बनाया है उसे इवनली स्प्रेड कर देंगे और ऊपर से दूसरी चपाती रख देंगे। गाइस, ये जो परांठा बनता है ना इस तरह का, इसमें स्टफिंग बहुत ज़्यादा होती है। भर भर के आप स्टफिंग डाल सकते हैं। थोड़ा सा दबा के बस हम इसे बेल लेंगे ताकि सारा मसाला अच्छे से सभी तरफ फैल जाए। गाइस, इसकी स्टफिंग बहुत ज़्यादा होती है, जैसे पिज़्ज़ा बनता है ना वैसे ही। तो बस इसे भी हम सेक लेंगे, क्रिस्पी करारा कर लेंगे। देसी घी के साथ बना रहे हैं हम परांठे, तो आप भी देसी घी ही यूज़ कीजिएगा गाइस। वैसे तो आपकी चॉइस है, लेकिन देसी घी में बने परांठों का टेस्ट ही और होता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारे परांठे बन के रेडी हुए हैं। ज़रूर बनाइएगा और खाइएगा। ये देखिए स्टफिंग कितनी ज़बरदस्त हुई है। और बस इन्जॉय कीजिए इस विंटर्स में आप इन परांठों को। ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।